मध्य प्रदेश के सबसे बड़े व्यापम घोटाले की जांच एक बार फिर रुक गई है। शिवराज सरकार में हुए व्यापम महाघोटाले की जांच कमलनाथ सरकार ने शुरू कराई थी। इस जांच में एसटीएफ के कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोरोना काल में व्यापम घोटाले की जांच बंद हो गई है और जांच में लगा एसटीएफ का अमला कोरोना ड्यूटी में तैनात है। अब एसटीएफ मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल कांग्रेस की सरकार आते ही सीएम कमलनाथ ने एसटीएफ को व्यापम घोटाले की जांच के निर्देश दिए थे। एसटीएफ ने लंबे समय से पेंडिंग पड़ी 197 शिकायतों की जांच शुरू की थी। इस जांच में 3 महीने तक चली और एसटीएफ इस मामले की जांच आगे बढ़ा रही थी कि सत्ता परिवर्तन हो गया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता में आते ही एसटीएफ चीफ अशोक अवस्थी को हटा दिया। आपको बता दें कि व्यापम घोटाले की जांच शिवराज सरकार में सबसे पहले इंदौर क्राइम ब्रांच ने शुरू की थी, लेकिन घोटाले का दायरा बढ़ने की वजह से इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई थी। बाद में एसटीएफ पर भी सवाल खड़े होने लगे थे, जिसके बाद शिवराज सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, लेकिन जब कमलनाथ सरकार सत्ता में आई तो एसटीएफ को इस घोटाले की जांच एक बार फिर सौंप दी गई थी। न्यूज़ डेस्क।